अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उप तिन को स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी पुण्य और पाप की अपेक्षित विस्तार से चर्चा करने के उपरांत विगत दिनों में हमारा कार्यक्रम कोटा और इंदौर में रहा। बहुत सुंदर आयोजन दोनों स्थानों पर हुआ और बहुत सुंदर विषयों पर वहाँ चर्चा भी हुई। इंदौर में तो हमने पूरे प्रवचन सार ग्रंथ का अध्ययन भी किया, विधान भी किया और प्रवचनों के माध्यम से उसका सार भी बताया। अब अपने इस विषय को यहाँ पुनः आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उपादान निमित्त ये जिनागम का बहुत आधारभूत विषय है। उपादान निमित्त इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उपादान निमित्त को समझे बिना अनादि काल से इस जीव के मिथ्या भ्रांति बनी हुई है कर्ता कर्म संबंधी। टोडरमल जी साहब ने लिखा ऐसा, जहाँ पदार्थों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है, ये जीव की बहुत भारी भूल है। मैं इनका करता हूँ, ये मेरे कर्म हैं, ये मेरे द्वारा किया गया है, इसको ये करेंगे इसको ये करेंगे, ये जो करने करने का जो भूत सवार है हमारे माथे पर, मैं करूँ मैंने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो उसने कर दिया, भगवान ने कर दिया, इसने कर दिया, कौन करता है कौन से कार्य का और कार्य के होने का असली कारण क्या है, ये कारण कार्य व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए निमित्त उपादान का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। आप यदि निमित्त उपादान के स्वरूप को गहराई से समझेंगे तो हमारी ये कर्तृत्व संबंधी मिथ्या मान्यता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। ये कर्तृत्व बहुत बड़ा अज्ञान है, ये कर्तृत्व विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, जिसके कारण अनंत संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, चतुर्गति में परिभ्रमण इसकी वजह से हो रहा है। भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र इतना ही जैन धर्म नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो साहब ये बात समझ में नहीं आती कि जब कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है तो फिर काम करता कौन है, एक ने दूसरे का काम नहीं किया तो फिर काम किसी ने किया तो होगा, रोटी बनी है तो बनाने वाला कोई तो होगा, कपड़े सिले हैं तो सिलने वाला कोई तो होगा, समझ में आ रही है बात। तो कौन करता है आखिर इन कार्यों को, उनका असली कारण कौन है, इन कारणों की मीमांसा यहाँ उपादान निमित्त वाले इस पाठ में की है। बहुत ही सुंदर जिनागम की आधारभूत चर्चा है, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं और जिज्ञासु जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, बीच में कुछ वाक्य विद्वान के माध्यम से यहाँ दिए गए। मंगलाचरण किया सर्वप्रथम, प्रसिद्ध मंगलाचरण है, सबके उपयोग में सबके ज्ञान में ये मंगलाचरण है, फिर भी एक बार पुनः बोल लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर स्वामी वे मंगल है, और मंगलम गौतमो गणी, गणी मतलब गणधर, गौतमो गौतम गणधर भी मंगल स्वरूप हैं, और मंगलम कुंद कुंदार्यो, कुंद कुंदादि जो आचार्य हैं वे भी मंगल है, कुंद कुंदाचार्य
वे भी मंगल है। जैन धर्मोस्तु मंगलम, और जैन धर्म भी मंगल स्वरूप है। आप देखिए भगवान महावीर स्वामी की इस गौरवशाली परंपरा में जब सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण किया तो फिर गौतम स्वामी को स्मरण किया, और उसके पश्चात समग्र जैन परंपरा में जैन परंपरा के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सिरमौर आचार्य कुंदकुंद स्वामी का स्मरण किया। ये मंगलाचरण कितना प्रसिद्ध है जैन परंपरा में हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों पर भी यह मंगलाचरण देखने को मिलता है। फिलहाल ये मंगलाचरण क्यों किया, क्योंकि इस मंगलाचरण में आचार्य कुंदकुंद को भी स्मरण किया है। भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद में आचार्य कुंदकुंद का भी स्मरण इस मंगलाचरण में आ गया है, और जो उपादान निमित्त की चर्चा यहाँ गहराई से की जाने वाली है उस चर्चा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी के समय सारादि ग्रंथ वे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस विषय को खोलने में समर्थ हैं, इसलिए कुंदकुंद स्वामी को यहाँ याद किया गया। रविचंदकार कहते हैं जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। वर्णी जी ने अपने कीर्तन में लिखा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत का परिणमन स्वयं होता है, स्वतंत्र होता है, कोई किसी का काम नहीं करता है। वस्तु के परिणमन की अपनी योग्यता है, परिवर्तन की अपनी योग्यता है, हर वस्तु अपनी योग्यता से स्वयं परिणमनशील है, परिणमित होती है। परिणमन माने परिवर्तन, बदलना, हर वस्तु बदल रही है, हर वस्तु नई से पुरानी हो रही है। देखो नई से पुरानी हो रही है, फिर उसी पुरानी को कोई नई कह देता है, फिर वही कभी फिर पुरानी हो जाती है, फिर वही जो पुरानी थी वो किसी और के यहाँ जाती है तो वो उसे नई कह देता है। नई पुरानी का क्या हिसाब बतलाओ, ये तो वस्तु का परिणमन है क्या। एक व्यक्ति ने कपास उगाई, कपास की खेती की और तैयार हो गई, और फिर क्या हुआ है, वो कपास की खेती करके उसने जब उसको लाया और ला करके रखा तो जो पहले वाली थी वो तो पुरानी थी और ये नई आई है तो ये नई हो गई। फिर थोड़े समय बाद में ये जब नई खेती आ गई तो ये पुरानी हो गई, लेकिन ये कपास जिसको बेच दिया उसने क्या, जो पुरानी थी ना ये, अब जिस व्यक्ति ने उस कपास को खरीदा वो क्या कहता है, अभी खरीदी है नई है। तो जो पुरानी थी वो ही दूसरे के हाथ में चले जाने पर नई हो जाती, नई कहलाती है, हो क्या जाती है, वस्तु का परिणमन है। फिर उसकी कोई नई चीज वो पुरानी हो गई और कोई वस्तु उसकी बनी तो कहते ये नई है, धागा बना ठीक है ना, तो धागा बना तो कहते ये नया है। अब धागा थोड़े समय टाइम व्यतीत हुआ और वो वही धागा जो टाइम व्यतीत होने पर बनाने वाला कह रहा है कि अब तो पुराना हो गया, ये जिसको बेचा वो कहता है कि नया है अभी खरीदा है। ये जो कपड़े हैं जो आपने आज ये नई टी शर्ट पहनी है ये नई है कि पुरानी है, अरे साहब अभी आज पहली बार ही पहनी है, नई है बिल्कुल, लेकिन जिस दुकान पर थी मुझे कहते चार साल के अंदर बिकी नहीं, पुराना स्टॉक हो गया। तो जो पुराना स्टॉक था जो पुरानी चीज थी वही चीज क्या हो गई, नई हुई क्या ये बताओ, नई नहीं हुई। हम तो खैर बाजार का खाते नहीं है, लेकिन जो लोग बाजार का खाते हैं और तो बाजार से मिठाई लाते हैं और लाने के बाद में क्या, ताज़ा है बिल्कुल, आज ही की है, आज ही की है, वो मिठाई वाले की दुकान पर न मालूम कितने दिन पहले की बनी हुई है, आप कह रहे आज ही की है ताज़ा है, अरे अभी तो लाए हैं। भाई साहब
वस्तु प्रति समय परिणमन कर रही है, उसका परिणमन प्रति समय होता रहता है। यदि ये परिणमन प्रति समय ना होवे अपनी योग्यता से, तो हम आपसे पूछते हैं, घर में रखी हुई मिठाई जो सुबह तक जिसका स्वाद अच्छा था, वो शाम तक उसको खराब किसने कर दिया? स्वयं किसी ने भी नहीं किया ना। मौसम बदल रहा है, वस्तु भी बदल रही है, हर समय बदल रही है। आपको ये लगता है अरे क्या बात कर रहे हो, सुबह तो सही थी, सही होगी। अरे सही होगी ऐसा नहीं है, बदल रही है वो हर समय। ये परिवर्तन वस्तु का स्वरूप है। खैर, पदार्थों के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। वस्तु का परिणमन स्वतंत्र होता है, स्वयं से होता है। हर वस्तु अपने आप से बदलती है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता से बदलती है। और ये जो परिणमन है, ये जो बदलाव है, इस बदलाव को काम कहते हैं, इस बदलाव को कार्य कहते हैं। इसे ही शास्त्रों की भाषा में पर्याय कहा जाता है। जानते हैं पर्याय क्या चीज है? दशा, अवस्था, हालत, स्थिति, कोई काम, कार्य, ये सब पर्याय है। तो ये नया काम हुआ, जैसे समझो आप हम यहाँ बैठे हैं, तो बैठे बैठे जब हम खड़े हुए तो अवस्था बदली ना, यहाँ बैठे बैठे भी बदल रही है, लेकिन जब खड़े हुए तो अवस्था बदली, तो बैठने से खड़े होना ये नया काम हुआ। तो जो काम हुआ है, अरे सूक्ष्म काम, हम तो स्कूल समझ में आता है, सब घर थे मंदिर आ गए, ये काम हुआ ना घर से यहाँ तक आने का, ये कार्य, ये मोटा मोटा तो परिवर्तन समझ में आ रहा है। लेकिन वस्तु में उस बड़े परिवर्तन के साथ साथ छोटा छोटा परिवर्तन भी हो रहा है। जैसे आप अवस्था का वर्णन करो, तो आप कहोगे साहब पहले आधे घंटे पहले घर थे, फिर यहाँ मंदिर आ गए। तो घर से मंदिर आए, तो मंदिर आने के पहले, जैसे यहाँ बैठे, तो यहाँ बैठने के पहले आप खड़े थे, खड़े थे उससे पहले उधर से चल करके आए थे, उससे पहले अंदर दर्शन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, फिर पूजन करने के पहले आप वहाँ से बाहर थे, फिर बाहर के पहले वहाँ बाहर थे, फिर उससे पहले सीढ़ियाँ चढ़े थे। तो ये हर अवस्था बदल रही, नया नया काम हुआ ना। आपने नीचे चप्पल खोलने का काम किया, फिर कदम बढ़ाने का काम किया, फिर हाथ धोने का काम किया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने का काम किया, ये सब अलग अलग काम हुए कि नहीं? अभी इनमें भी और बारीक देखो तो पहली सीढ़ी चढ़ने का काम अलग है, और दूसरी सीढ़ी चढ़ने का अलग काम, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़े। पहली सीढ़ी में भी यहाँ से पांव उठाया और यहाँ तक रखा, तो यहाँ से ये हर समय अवस्था बदल रही है, और फिर यहाँ पांव धरा। इसका मतलब जो अपने को बड़ा काम दिखाई दे रहा है, उस बड़े काम के पीछे, बड़ा काम स्थूलता की दृष्टि से देखा, उसमें अनंत काम छिपे हुए हैं। हमने कहा साहब ये छावड़ा जी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, आपको पता है ये इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने बनवाया है, इतने बड़े बड़े मार्ग इन्होंने बनवाए हैं, हैं ये हॉस्पिटल इनका बनवाया हुआ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल इनका बनवाया हुआ है। अच्छा, तो ये एक काम की बात कर रहे हो ना। अब ये जो एक काम कह रहे हो, इस एक काम में कितने काम हैं ये देखो। ये साहब ये दुकान इनकी सेट की हुई है, सेट करने में जिंदगी निकल गई क्या? और तुम कह रहे हो एक काम, एक वाक्य कह करके निपटा दिया तुमने क्या? मैं इनका किया हुआ, किस किस के क्या क्या काम हुए, किस किस का क्या क्या योगदान रहा है उसमें, ये बहुत काम है। कार्य में कार्य को कर्म भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं, हालत भी कहते हैं, दशा, परिणाम और परिणति भी कहते हैं। किसको? कार्य। कार्य के पर्याय बची है ये सब। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है, स्वयं। कौन किसका काम करे, सब अपना अपना काम करने में एक्सपर्ट हैं, सब अपना अपना ही काम करते हैं। उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। घड़ी चल रही है कि नहीं? आपकी घड़ी चल रही है? आप चला रहे हो? मोबाइल चल रहा है, चालू है, उसमें टाइम परिवर्तन हो रहा है, कौन कर रहा है? किसी को किसी का परिणमन करने में किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। माइक चल रहा है तो कौन चला रहा है? बिजली से चल रहा है, करंट से चल रहा है। अरे सबका परिणमन अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, कौन किसका काम करे?
किसी को किसी का काम करने में सहयोग की जरूरत नहीं है। ये लगता है साहब आज ज्यादा खिला दिया आपने, तो खिलाया तो आपने, और फिर क्या हुआ यहां से उतरने के बाद? आपने खिलाया और खाया किसने? हमने। फिर चबाया किसने? कि हमने। फिर गले से उतारा किसने? कि हमने। और फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं, फिर जो होना था जो हो गया, फिर हाथों में जा रहा है, फिर पेट में चल रहा है, है? जो काम हो रहे हैं, कौन क्या क्या कर रहा है उसका। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये याद रखो बस ये लाइन, सारे जगत का, जब मैं जग का करता क्या काम, ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई। दुनिया की कोई ताकत ऐसे व्यक्ति के हृदय में अभिमान उत्पन्न नहीं कर सकती है। कई बात का घमंड होगा बताओ, हो सकता है क्या घमंड? मैं जग का करता क्या काम, जब हमने ये बात कह दी तो फिर घमंड कहाँ रहा? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये आयोजन कराए, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया, मैंने विधान कराया, मैंने पंचकल्याणक कराया, मैंने अनुष्ठान कराया, मैंने प्रवचन किया। हमने इनको सवाल आ रहे साहब हमने क्या नहीं किया इनके लिए, लेकिन देखो आप ये बच्चे भी कैसे सारे जिंदगी भर के किए धरे के ऊपर एक वाक्य के अंदर पानी फेर देते हैं। आपने किया क्या है, आप करते क्या हो हमारे लिए? आप कर करके मर गए, मरे जा रहे हो आप बच्चों के लिए, और वो एक सेकंड में एक वाक्य कह देते हैं बस, सर्टिफिकेट दे, तुमने किया क्या है हमारे लिए? वो तो सच्चाई का ज्ञान करा रहे हैं, तुमने किया क्या है? लेकिन हमारा मोह बोलता है कि हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है। ये सिखा रहे हैं भाई साहब, ये बता रहे हैं यहाँ पर कौन है करने वाला। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है, उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ दुखी होते हैं। यार इनकी हेल्प ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई काम में सहयोग ही नहीं है हमारा, इनका इनका तो बिल्कुल सहयोग नहीं है हमारे को काम में। सारे काम हम करते रहे दिन भर बैठे बैठे, ये इनका तो कोई सहयोग नहीं है हमारे को। तो ये देखो अज्ञानियों को पर के सहयोग की आकांक्षाएं बनी रहती है और वे अज्ञानी खुद ही दुखी होते रहते हैं। वस्तु के परिणमन में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। जिज्ञासु की जिज्ञासा आप लोगों के चित्त में उठी हो या नहीं उठी हो, लेकिन जिज्ञासु ये बात कह रहा है कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं। काम होगा तो कारण तो होगा। ये बात थोड़ी सी गहराई से विचार करने योग्य है। जो भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः कारणों की खोज को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है? कारण तो मानना ही पड़ेगा। लड्डू यदि सामने है तो लड्डू किसी ने तो बनाए होंगे, ठीक है ना? किसने बनाया, किसने बनाया, तो कोई करता होगा ना उसका, कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण के काम नहीं हो सकता है। प्रश्न समझ में आया क्या, क्या कह रहे साध्य? किसने बनाए लड्डू? कि दादी ने बनाए थे। किसने किसने किया ये काम? इसने कर दिया। ये किसने गंदा कर दिया? इसने लकीटे कर दिए, इसने पेन चला दिया, तो कोई काम हो रहा है? अरे ये पिलर्स यदि खड़े हुए हैं तो किसी ने तो खड़े किए होंगे, कोई तो होगा। बिना कारण के काम कैसे होगा? काम के होने में कोई ना कोई तो सहयोगी होता है ना, ये नियम है। ईश्वर कर्तृत्ववादी लोग वो ये कहते हैं कि सृष्टि भी एक कार्य है, सृष्टि दुनिया, यदि ये काम है तो इस काम का कर्ता या कारण भी कोई ना कोई होना चाहिए। और वो कौन हो सकता है इस दुनिया को बनाने वाला? बोले सर्वशक्तिमान जो होगा वही हो सकता है, इसलिए हम ईश्वर को इस जगत का कर्ता मानते हैं। इस दुनिया को कौन बनाएगा? भगवान नहीं बनाएंगे। तो ये काम है तो काम का कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, और वो कर्ता हम आप तो हो नहीं सकते, वो ईश्वर ही हो सकता है। अब भाई वो इस पूरी दुनिया को एक काम कह रहे हैं, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। हम कह रहे हैं कि यदि ये दुनिया को वो बना रहे हैं
पूरी दुनिया को, तो हम कह रहे हैं हमारा मकान तो हमने बनाया है यार, भगवान ने थोड़ी ना बनाया। अभी स्थूलता से बात करें अपन व्यवहार से, तो हमारा जो 54 जो है हमारा मकान तो हमने बनाया है, और 53 जो है वे इन्होंने चावड़ा जी ने बनाया, और जो 52 है वो रामजीलाल जी ने बनाया, तो उसके बगल में जो था वो किसी और ने बनाया था। तो फिर कोई ऐसा मकान बताओ जिस मकान को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया हो, जिसको ईश्वर ने बनाया हो। यार ऐसा तो कोई नहीं दिखाई देता। जयपुर किसने बसाया, भगवान ने कि सवाई जयसिंह ने? जयसिंह का बसाया हुआ। तो ऐसा जो आप यदि काम को अलग अलग देखोगे तो आपको समझ में आएगा हर काम का कर्ता अलग अलग है, लेकिन उसमें भी ये जो आप अपने आप को मकान बनाने का कर्ता कह रहे हो, इसमें असली कर्ता कौन है और निमित्त कर्ता कौन है, ये दो तरह के कर्ता आपको पहचानने पड़ेंगे। इस बारीकी में यहाँ ये ले जाना चाहते हैं। देखिए प्रवचनकार कहते हैं तुम ठीक कहते हो, बात ठीक है यार तुम्हारी, तुम्हारी बात तो सच्ची है, तुम ठीक कहते हो कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक है, किंतु जानते हो कारण किसे कहते हैं? आप जानते हो कारण किसे कहते हैं? सुनो याद रखना हमेशा, कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। क्या कहा, सब कठिन लग रहे हैं शब्द? कार्य जो काम हुआ उसकी उत्पादक उत्पन्न करने वाली, उस काम को करने वाली जो सामग्री थी उसे ही कारण कहते हैं। वे कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। चर्चा काई की करनी है अपने को यहाँ इस अध्याय में? उपादान और निमित्त की चर्चा करनी है। दो तरह के कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। पंडित जी ये समझ में नहीं आए, उपादान कारण क्या होता है और निमित्त कारण क्या होता है, ये नए शब्द कहाँ से लिए? निमित्त क्या क्या शब्द है? निमित्त नी मी आधा त और त, निमित्त निमित्त, साध्य क्या शब्द है? निमित्त। और दूसरा क्या है? उपादान। उपादान और निमित्त दो कारण हैं किसी भी काम के होने में, किसी भी कार्य के होने में दो मुख्य कारण हैं, एक उपादान कारण एक निमित्त कारण। कि साहब ये शब्द तो आपने बता दिए उपादान और निमित्त, इन उपादान और निमित्त का मतलब क्या है? क्या इन उपादान और निमित्त का क्या मतलब है? तो देखो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। काम के होने का उपादान कारण क्या होगा? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वो उसका उपादान कारण है। जैसे ये कुर्ता, कुर्ते का उपादान कारण क्या होगा? कुर्ते रूप से कौन बदला? कपड़ा। तो कपड़ा ही बदलकर जो ऐसा लंबा था 3 मीटर, वो 3 मीटर के कुर्ते का कपड़ा वो बदल करके क्या हुआ? कहीं से कटा, कहीं से सिला, कहीं से कुछ हुआ, वो कपड़ा ही परिवर्तित हुआ और कपड़े से कुर्ता हो गया। तो यहाँ जवाब क्या दिया? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो हो उसे उपादान कारण कहते हैं। तो उपादान कारण, देखो भाई गहराई से समझना, विषय बहुत गंभीर है, और इस विषय को यदि गहराई से समझ लेंगे एक बार आप, तो ये जनागम की बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके हृदय में उतर जाएगा, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कई तरह के कष्ट परेशानियां संकट मिट जाएंगे, बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं इस विषय को गहराई से जानने पर। उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने का प्रयास करना, हो सकता है कहीं कहीं बीच में थोड़ी जटिलता भी दिखे, लेकिन विषय को यदि आप नियमित और निरंतर सुनेंगे तो हम इतना सरल कर देंगे, इतना सरल कर देंगे कि वो बिल्कुल ऐसे पानी की तरह हो जाएगा, विषय बहुत सरल हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो हो उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में
काम के होने में, उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण काम हुआ तो काम के होने में अनुकूल कारण कौन होगा? जो भी सहयोगी दिखाई दे रहा है हमारे को उसे हम निमित्त कारण कहें। निश्चित बात है, जैसे कुर्ता बना तो उपादान कारण तो क्या हुआ उसका? कपड़ा। और निमित्त कारण कौन है? टेलर, दर्जी। जो भी टेलर है वो टेलर, क्योंकि वो इस काम के होने में सहयोगी कारण, खुद तो नहीं बदला। अरे यदि टेलर, सुनना ध्यान से, यदि टेलर कुर्ता बनाने में खुद थोड़ा बहुत भी अपने को कुर्ते रूप बनाए और थोड़ा सा वो टेलर कुर्ते रूप हो गया, थोड़े दिन बाद में वो टेलर फिर थोड़ा और कुर्ते रूप हो गया, फिर थोड़े दिन बाद में थोड़ा और, तो धीरे धीरे करके टेलर का ही अस्तित्व मिट गया, फिर वो कुर्ता ही रह गया। क्या ऐसा तो होता ही नहीं है ना। जो जो कुर्ता बनाए हैं उस कुर्ते के बनने में टेलर कितना है उसमें? उस कुर्ते में, कुर्ते में टेलर तो कुछ नहीं है। तो कुर्ते में कौन है कि बोले कुर्ते में तो कपड़ा ही कपड़ा फैला पसरा हुआ है, कुर्ते में तो कपड़ा ही व्याप्त है। तो कुर्ते का असली कर्ता तो वो कपड़ा है, जिसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण कौन होगा? निमित्त कारण होगा वो टेलर। टेलर भी कौन, कौन सा टेलर? जिसके जिसके अनुकूलता होने पर, जिसके योग और उपयोग के मिलने पर ये कुर्ता बनाए, उस व्यक्ति को निमित्त कारण कहा जाएगा। एक दुकान पर 5 टेलर हैं और एक ने कुर्ता सिला, तो वो जिसने सिलाए वो उसका निमित्त कारण है। यदि खराब सिल गया और आप वहां जाकर किसी दूसरे टेलर पर चिल्लाने लगो तो क्या कहेगा? मैंने नहीं किया। क्या बात करते हो, कुर्ता सिलाए और टेलर सिलता है और तुम टेलर हो? अरे नहीं भाई, लेकिन मैं नहीं हूं, दूसरा टेलर है। हम तो पैंट शर्ट सिलते हैं, हम कुर्ता नहीं सिलते। तो कौन किसका निमित्त कारण होगा कि जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके, जिस व्यक्ति पर, उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण भी काम के होने में नियम से होता है। काम उपादान से हुआ, असली कारण उपादान था और निमित्त कारण था ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कार्य निमित्त के बिना भी नहीं होता और कार्य निमित्त से भी नहीं होता। वाक्य ध्यान रखना, कार्य निमित्त से नहीं होता लेकिन निमित्त के बिना भी नहीं होता। ठीक है, समझाएंगे, अभी तो शुरू की है चर्चा। देखो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। जिनागम का जैन शास्त्रों का प्रसिद्ध उदाहरण, जैसे घट, घट रूप कार्य का उपादान कारण कौन है? घट माने घड़ा, मटका, मटका घड़ा, उस घट रूपी काम घड़ा बनाना, तो उसका कारण कौन है? बोले उपादान कारण तो मिट्टी है। और निमित्त कारण कौन होगा? और भी है, चक्र भी है, दंड भी है, कुमार भी है, ये सब निमित्त कारण है। क्या असली तो मिट्टी जो थी वो मिट्टी ही घड़े रूप बदली है? क्या नीरज जी साहब, वो जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी जो ऐसे पड़ी हुई थी वो ही ऐसे घड़े रूप बन गई, मिट्टी की अपनी योग्यता। लेकिन उसमें कुमार का वो जो चक्र जो था ना, एक चक्का होता है, उस चक्के के ऊपर वो लकड़ी ऐसे लगाता है, देखा कभी बनते हैं घड़े ऐसे, वो और उसके ऊपर वो लकड़ी लगाता है और लकड़ी लगा करके वो उसको तेजी से घुमाता है। कौन घुमा रहा है? वो कुमार। तो डंडा, दंड, चक्र माने वो ऐसा राउंड शेप में होता है, वो जैसे हाथ की चक्की होती है ना, उसी तरह का कुछ, नीचे उसके पत्थर लगा हुआ होता है, पत्थर जैसा, जिसके ऊपर वो घूमता है, वो लकड़ी से उसे घुमा रहे हैं।
और बीच में वो जो चाक जो था चक्र राउंड शेप में, उसके बीच में बहुत सारी मिट्टी का पिंड रखा है, फिर उसको बहुत तेज घुमाता है तो चक्र तो घूमता रहता है, फिर लकड़ी रख देता है। अब बैठ करके उस घूमते हुए मिट्टी के पिंड में वो हाथ से शेप देता है, और वो शेप से फिर वो घड़ा बन जाता है, मिट्टी का घड़ा बन करके तैयार हो जाता है। तो किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। यदि वो लकड़ी बोलने लगती तो वो कहती कि मैंने बनाया है, मैं नहीं होती तो कुम्हार क्या कर लेता। यदि वो चक्र बोलता बोलने लगता तो चक्र कहता कुम्हार ज्यादा अभिमान मत कर, मेरे बिना तू क्या कर लेता। क्या? तो चक्र ने बनाया कि लकड़ी ने बनाया कि कुम्हार ने बनाया, किसने बनाया? कि ये तो तीनों काम के होने में निमित्त हैं, क्योंकि इनका लगा क्या है इन तीनों का, ये तीनों तो अपने अपने में है, असली कारण तो मिट्टी है। वो मिट्टी ये कहती है कि सुन भैया, तुम बनाते हो ना, मैं हट जाती हूँ, या लकड़ी भी है या चक्र भी है और ये कुमार देव कुमार भी खड़ा है, लो बना ले। तो कैसे बनाएगा भैया? और मिट्टी में भी जिस मिट्टी में योग्यता हो वो ही मिट्टी बने, बालू मिट्टी से नहीं बनेगा, बजरी से घड़ा नहीं बनेगा। क्या कोई कुमार घमंड करे मैंने बनाया है, मैं बनाता हूं, क्या कुमार यहां खड़ा है, बनाओ बनाओ, तुम बनाते हो ना, बनाओ, रे से थोड़ी ना बनता है। तो सामान चाहिए, साधन चाहिए, सब चीजें चाहिए, सब जुटा दिया, अरे नहीं नहीं मिट्टी तो है ही नहीं, तो तुम बनाते हो तो बना लो ना, मिट्टी विट्टी की क्या जरूरत है। कि नहीं सब मिट्टी के बिना नहीं बनेगा। तो हम वहां गमले में से थोड़ी मिट्टी ले आए, लो आप बनाओ, बोले इससे थोड़ी ना बनता है, क्या इस मिट्टी से नहीं बनेगा, क्या ये क्या हुआ? जिस मिट्टी में बनने की योग्यता हो, जो मिट्टी घड़े रूप बनने की योग्यता वाली हो, वो मिट्टी ही घड़े रूप बदलती है, तो घड़ा बनने का असली उपादान कारण तो वो मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी जो उपादान कारण है, ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी पड़ी हो और अपने आप घड़ा बन जाए। उस काम के होने में जो अन्य अनुकूल सहयोगी कारण थे वे सब निमित्त कारण हैं। तो दो तरह के कारण प्रत्येक कार्य के होने में होते हैं, एक को उपादान कहकर कारण कहकर के पुकारा गया, दूसरे को निमित्त कारण कहकर के पुकारा गया। ठीक है, इसी पाठ की विस्तृत चर्चा मैंने अभी शायद एक आध साल पहले की थी, YouTube पर उपलब्ध भी है वो प्रवचन, लगभग सवा घंटे का प्रवचन है वो, सवा डेढ़ घंटे का, दो पार्ट में डला है, निमित्त उपादान पूरा पाठ है वो, माने वो एक सवा घंटे में है, और यहाँ अपन दो चार घंटे में पाँच घंटे में देखेंगे, इतने दो चार प्रवचन तो लगेंगे इसमें इसकी चर्चा करने में, देखो। लेकिन वो वहाँ भी जो वो प्रवचन है वो बहुत पसंद किया गया है लोगों के द्वारा, और सारभूत बात उसमें सब आ गई है, निचोड़ उसमें आ गया है, मैं भेज दूंगा आज तो आप लोगों को सुनने के लिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये लिखा प्रत्येक पदार्थ अपने परिक्रमण का कर्ता स्वयं है। हाँ, और इधर नीचे ये लिख रहे हैं कि उपादान की योग्यता और निमित्त का सहयोग इनके कारण से काम हुआ है। दोनों ही कारण है, वो ऊपर जो कहा ना ये असली कारण की बात कही, और फिर कहा किसी व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो कि भाई काम अपने आप ही होता है, तो ऐसा नहीं है, अपने आप तो होता ही है, वस्तु की योग्यता तो असली कारण है ही, लेकिन काम के होने में कुछ निमित्त कारण भी होते हैं। ठीक है ना, पंखा चला तो चलता अपनी योग्यता से ही है, लेकिन निमित्त कौन था? कि निमित्त उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी थी, उसको चलाने वाला भी था, स्विच ऑन करने वाला भी था, सब उसके अंदर निमित्त कारण भी है। ठीक है ना, देखो आगे क्या कहते हैं, इसी बात को समझाते हैं। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उसे उपादान, जिस पदार्थ में काम संपन्न हुआ उसे उपादान, और उस कार्य को उपादेय कहते हैं। ये नए नए शब्द मिल रहे हैं, देखना आप थोड़ा सा है ना अपने उपयोग को एकाग्र रखना। पहले दो शब्द कौन कौन से याद किए आपने? उपादान और, ये दो तो पक्का याद हो गए, उपादान और निमित्त, है ना। अब कह रहे हैं जिसमें काम हुआ ना
जिस पदार्थ में कार्य संपन्न हुआ वो तो है उपादान, और उस कार्य को कहते हैं उपादेय, उस कार्य को उपादेय भी कहा जाता है। और निमित्त की अपेक्षा कथन करने पर उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। एक ही कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा कथन करने पर उपादेय और निमित्त कारण की अपेक्षा कथन करने पर नैमित्तिक कहा जाता है। ये दो शब्द नए आ गए। उपादेय घड़े का बनना हुआ है, उपादेय चिकनी मिट्टी हुई है? नहीं, घड़े का बनना वो उपादेय है, मिट्टी वो उपादान है, और मिट्टी से जो बना, जो बन गया वो उपादेय है। उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य भी होता है, लेकिन वो अर्थ नहीं है यहाँ, ये भी बताएंगे अभी। उपादान मतलब मिट्टी, तो मिट्टी में भी पर्टिकुलर चिकनी मिट्टी केवल, हाँ वो उपादान है। जो मिट्टी परिवर्तित हो रही है वो उपादान है, और जो फाइनल शेप आ गया आपके सामने वो उपादेय है। उस शेप के होने में जो सहयोगी था, जो असली कारण था, जो उस रूप ही बदला है वो उपादान, और वो शेप वो उपादेय। अभी कहा निमित्त की अपेक्षा से बात करो, तो निमित्त कौन था? बोले कुम्हार वगैरह निमित्त थे, तो कुम्हार निमित्त और घड़ा बोले नैमित्तिक। मिट्टी उपादान और घड़ा उपादेय। यार समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है, घड़ा उपादेय है कि नैमित्तिक है? बोलो चाची क्या कहना है, उपादेय नैमित्तिक नहीं है? आज वो कहाँ है थोलिया जी? क्या कह रहा हूं मैं भाई, देखो बात एक ही है, एक ही घड़ा है, उस एक ही घड़े को उपादान माने मिट्टी से देखोगे, मिट्टी बदली है तो उपादान उपादेय ऐसा बोलते हैं अपन, उपादान उपादेय। और निमित्त की अपेक्षा से बात करो तो निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक। नैमित्तिक माने भी कार्य होता है, उपादेय माने भी कार्य होता है। किसी भी कार्य को उपादेय कहो, नैमित्तिक कहो, काम कहो, कार्य कहो, ये सब पर्यायवाची है, लेकिन कारण है उसके पीछे। क्या कारण है? इसको नैमित्तिक क्यों कहा? निमित्त और ये नैमित्तिक। इसको उपादेय क्यों कहा? उपादान और उपादेय, नाम बदला है उसका, ठीक है ना। आपको दादाजी क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि सफेद बाल देखे, बच्चों के दादाजी हो इसलिए आपको दादाजी कह दिया। और वही व्यक्ति जिनको दादाजी कहा जा रहा है उन्हीं को नाना जी कह दिया, किस अपेक्षा से? कि पोते पोतियों की अपेक्षा से दादाजी, और दोहेते दोहितियों की अपेक्षा से नाना जी। तो नाना के दादा, अपेक्षा बदल गई। जब नाना कहेंगे तो वो इंडिकेट किसको कर रहा है, जब दादा कहेंगे तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो दादा और नाना ये फर्क है ना दोनों। इसी तरह से हमने कहा व्यक्ति एक ही है, हमने कहा घड़ा वही है, उस घड़े को हमने कहा उपादेय, तो क्या समझना? उपादान की अपेक्षा। उसी घड़े को हमने कहा नैमित्तिक, तो कहा जो नाम पढ़ा है ना नैमित्तिक, ये निमित्त की अपेक्षा से पढ़ा है। इसको समझा रहे हैं, देखो थोड़ा सा और यहाँ। जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की, उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक को कृपया उदाहरण देकर समझा दीजिए। थोड़ा सा समझाओ, उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक, पहले दो शब्द थे अब चार हो गए, और चार में भी काम तीन ही है, क्योंकि दो तो कारण, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, और काम एक, तो कुल चीजें तो तीन है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक काम। तो जो काम था उस काम को कभी हमने उपादेय कह दिया, इस कारण से देख रहे हैं इधर वाले से तो हमने उपादेय कह दिया, और निमित्त कारण से देख रहे हैं तो निमित्त कह दिया, तो काम तो एक ही है। तो तीन बातें हैं कुल, देखो समझा रहे हैं यहाँ, सुनो। जैसे घट कार्य का उपादान कारण मिट्टी रूप द्रव्य है, घड़ा घड़ा, घड़े का उपादान कारण कौन? मिट्टी रूप द्रव्य है।
यहाँ मिट्टी उपादान है, मिट्टी उपादान है, अतः इसकी अपेक्षा कथन करने पर घट कार्य उपादेय कहा जाएगा। समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ो, देखो भी नहीं समझ में आया ऐसे, ध्यान से पढ़ो वाक्य, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसकी समझ में नहीं आए सभा में, क्योंकि हमारी सभा में सारे लोग सब बुद्धिमान हैं, सबकी समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, यहाँ मिट्टी उपादान है, मिट्टी उपादान है, और इसकी अपेक्षा से कथन किया, तो घड़ा जो काम था वो उपादेय कहा जाएगा, तथा घट कार्य के कुम्हार चक्र आदि ये निमित्त कारण है। सब घड़े के निमित्त थे, घड़े रूपी काम और उसके ये सब निमित्त थे, तो निमित्तों की अपेक्षा कथन करने पर उसी घट कार्य को नैमित्तिक कहा जाएगा। काम वही है, उसी को हमने नैमित्तिक कह दिया। तो जब कभी हम ऐसा कहते हैं इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो क्या समझना, जब कभी हम कहते हैं इसमें इन दो में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो क्या समझना कि जो नैमित्तिक है वो तो कोई काम हुआ है, और जिसे निमित्त कह रहे हैं वो उस काम में सहयोगी बाहरी कारण दिखाई दे रहे थे, तो बाहर में काम करने वाला कोई व्यक्ति और जो काम हुआ, इन दोनों के लिए क्या शब्द दिए, निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक समझ में आ रहा है, बहुत जगह मिलेगा, अरे भाई इनमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब दवाई ली और तबीयत ठीक हो गई, तो दवाई के निमित्त से तबीयत ठीक होने रूपी काम हुआ, तो निमित्त कौन था, दवाई, और काम क्या हुआ, तबीयत ठीक होना। तो निमित्त की अपेक्षा से तबीयत ठीक होने को क्या कहेंगे, नैमित्तिक। तो दवाई लेने पर तबीयत ठीक हुई, इसको सैद्धांतिक भाषा में कहेंगे तो कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कठिन तो नहीं है, समझ में आ रही है ना बात, काम हुआ तो इस काम के होने में ये जो निमित्त नैमित्तिक हुआ, अबे पूछूंगा मैं कल, क्या आज नहीं, गहराई से देखना विषय, अभी बता रहे हैं। देखो निमित्तों की अपेक्षा कथन करने पर उसी घट कार्य को, निमित्त की अपेक्षा से कहा तो उसी घट कार्य को नैमित्तिक कहा जाएगा। निमित्तों की अपेक्षा, यहाँ उपादेय शब्द का प्रयोग ग्रहण करने योग्य इस अर्थ में नहीं है, नहीं समझ में आया। जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा ना, ऐसे ही शास्त्रों में उपादान उपादेय मिलता है, उपादान उपादेय, तो उपादेय माने काम, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य भी होता है। जब हम कहते हैं ना हे गे उपादेय, हे ये मतलब छोड़ने लायक, गे मतलब जानने लायक, और उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक। यहाँ उपादेय वो अर्थ नहीं है, यहाँ तो उपादान की अपेक्षा से काम को उपादेय कहा जा रहा है। यहाँ तो निमित्त की अपेक्षा जिस कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है उसे ही अपने उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा जाता है। आशा है अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब जब समझ में आ ही गया होगा तो फिर आगे चर्चा करने से क्या लाभ है। आ गया ना समझ में, नहीं आया समझ में भाई साहब, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को एक बार गहराई से समझ लो तो भ्रांति निकल जाए कर्ता कर्म के संबंध में, और कर्ता कर्म की भ्रांति निकली और बहुत बड़ा अज्ञान छट गया। सारा झगड़ा इस बात का है ये काम कौन करेगा, ये कौन करेगा ये काम, ये मैंने किया है, मैंने किया है ये समझते ही अभिमान खड़ा हो जाता है, और दूसरे ने किया है या दूसरा करेगा मेरी हेल्प ये समझते ही दूसरे के आगे दीनहीन बन जाता है। मैंने किया है ये समझते ही अभिमान खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं साहब आप ही करोगे साहब, तो हाथ जोड़ता है उनके आगे झुकता है। दीनता और अभिमान इन दोनों में ही स्वाभाविक सरलता नहीं है, और इस सरलता की उत्पत्ति इस निमित्त नैमित्तिक संबंध, इस उपादान उपादेय संबंध या उपादान निमित्त कारण के वास्तविक मर्म को समझ करके हो सकता है। जितनी बात समझ में आ गई सो अच्छी बात है, जिज्ञासु की तरह आप लोगों ने भी कह दिया आ गया, अच्छी तरह आ गया। अब यदि अच्छी तरह आ गया तो कल तक याद रखना,
कल पूछेंगे कितने पानी में है, अभी की बात को यहीं। हाँ।